लॉ का क्या सिस्टम है, यस सर, मैक्सिमम यू कैन हैंडल मैक्सिमम फोर वैल्यू. व्हाट आई एम गोइंग टू फाइंड आउट, लॉग, कोई भी लॉग की हम वैल्यू ले लेते हैं जिसको कि हम देखने जा रहे हैं. क्या देखने जा रहे हैं? 2439. क्या बोल वैल्यू देखने जा रहे हैं? 2439. अब आप इसको, पहली बात तो आपके पास चार वैल्यू है, मतलब हमारे पास जो n है दैट इज व्हाट, कितनी वैल्यू है n, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें? चार. तो आप n माइनस वन कर लो. ठीक है, क्यों हम n माइनस वन कर लिए? क्योंकि आप इमेजिन कर लो कि इसके डेसिमल एंड में लगाया और एक जीरो लगाया, इससे आपको आगे पढ़ने में आसानी हो जाएगी. मतलब अगर आप बिना डेसिमल के वैल्यू सोच लोगे तो आपको अभी तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन बिना डेसिमल हैंडल करने में आपको दिक्कत होगी. तो अभी हमारे डेसिमल से लेफ्ट हैंड साइड में कितनी वैल्यू है मैक्सिमम? लेफ्ट हैंड फोर. फोर नंबर्स का निकलता है, जो मेन नंबर होते हैं उसी का लॉग में वैल्यू देखी जाती है, लॉग टेबल देखी जाती है. हमारी वैल्यू कितनी हो गई, एन माइनस वन कितना हो गया? तीन. रितिका नहीं आता, चार में से एक माइनस देखो, सौम्या को आता है यार, तुम नहीं बता पाते हो. क्या बोला सर आपने? अब सिंपल क्वेश्चन था ना, फोर माइनस वन कितना होता है? किसको बोला आपने? सौम्या कितना होता है बताओ सर? थ्री. देखा, ये होता है सर. आपने किसको बोला, किसको नहीं आता ये बताओ मुझे. वाल्टर को बोल रहा था मैं. तेरे को बोल देते. फोर माइनस वन देखो, तीन दिखाया था यार, ऐसा मत बोलो. जब इंसान ट्वेल्थ क्लास में आ जाता है तो उसको फोर माइनस वन थ्री आना चाहिए. समझ में आ रहा है? एनीवे, हमारे पास जो वैल्यू आई है कितना आई है? थ्री आई है. राइट डाउन द थ्री. और सर आपको पता होना चाहिए, आपने एन को फोर असाइन किया है, आपने एन इक्वल टू. अब टाइम बर्बाद मत करो, रिकॉर्डिंग चल रही है, वो तुम्हारे पापा भी देख लेंगे चैनल पे. ठीक है, तो कितनी वैल्यू होगी एन की, वैल्यू कितनी होगी? थ्री होगी. अब हम इसको डेसिमल लगा, एन माइनस वन की थ्री होगी. वेट, हमारी वैल्यू कितनी होगी? थ्री होगी. अब हम इस पूरे वैल्यू को ब्रेक करते हैं. क्या करेंगे? पूरी वैल्यू को ब्रेक करेंगे, तीन पार्ट में ब्रेक करेंगे. तीन पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं. पहली वैल्यू 24 है. ओके, पहली वैल्यू कितनी है? 24 है. फिर इस पार्ट को उठा दो, नेक्स्ट वैल्यू 3 है और उसके बाद की वैल्यू 9 है. इसका डिस्क्रिप्शन में बाद में बताऊंगा, अभी मैं समझाने में ज्यादा ध्यान लगा रहा हूँ क्या क्या चीज कौन सी चीज है. ओके, तो आपको जाकर के 24 में वैल्यू देखनी है. लॉग टेबल 24 में जाके आप देखिए कितना आया. 24 में चले जाओ, पहले 24 के 3 में क्या वैल्यू है, गो एंड चेक. मेरे पास लॉग टेबल नहीं है, आप देखोगे. अब आप उसके 24 के 9 में चले जाओ, जो छोटा वाला आपके पास वैल्यू है. छोटा वाला एक टेबल होगा, राइट हैंड साइड में एक छोटी वैल्यू टेबल होगी. आवाज नहीं है, ढंग से बोलो, स्लो बोलो, धीरे धीरे बोलो. सर 16 है. 16. राइट. यस. नाउ ऐड इट, इसको जोड़िए. अब तो कोई जवाब नहीं देगा, सिर्फ स्नेहा देगी. 6 प्लस 6 कितना होता है स्नेहा? 12. देख लो, स्नेहा कभी गलत जवाब नहीं देती. 6 प्लस 6 12 हो गया, 1 इन हैंड. अब रितिका का बारी है, अब बताओ कितना हुआ जोड़ के. 5 प्लस 1 प्लस 1 7. इंसान ऐसे ही टॉप कर जाता है इंडिया में. देन नेक्स्ट वैल्यू इज, काश इतना इजी होता टॉप करना. अब कितना, अब नेक्स्ट वैल्यू क्या बचेगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे बताओ स्नेहा. 8. देखो गलती नहीं की लड़की, 8 आ गया. और उसके बाद क्या लिखूं बता, वाल्टर बता देगा. ये तो बड़ा टफ क्वेश्चन है. 3. मतलब आप ओवरऑल, आपका फंडामेंटल काफी अच्छा है, मतलब मैं समझ गया.
सब मैच वाले होंगे. नाउ पुट ऑल द वैल्यू एज इट इज. नाउ पुट ऑल द वैल्यू एज इट इज. 3872 दिस इज द वैल्यू जो लॉग की वैल्यू है, जो हमारे लॉग टेबल से निकली है. ठीक है, ये बात समझ में आ गई. मैं अभी जिस ग्राउंड बना रहा है जिससे आप उसको फील करने लगो. जब फील करोगे तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा. अब मैं कोई क्वेश्चन दूसरा देता हूं. अब मेरा क्वेश्चन यह है 24, रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन को, 243.9. चूंकि रिकॉर्डिंग चल रही है तो ध्यान रखना, आप गलती मत कर जाना. यानी कि 6+6 12 की जगह कुछ और बोल दिए, ऐसा मत करना. चैनल पे जाएगा ना तो अच्छा नहीं लगेगा. क्या वैल्यू है, जब मेरी राइटिंग खराब आ रही है कंप्यूटर पे. 3243 पॉइंट, मैंने पॉइंट कहां लगाया है, 3 के बाद, आपके बाद 9 से पहले. ठीक है ना. अब इस, अब मैं इसको डिमार्केट करने के लिए, आप कंफ्यूज ना हो जाओ, मैं इसको अलग कर देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए. मुझे ध्यान रखना पड़ता है ना सारी चीजें. डेसिमल से लेफ्ट हैंड साइड में कितनी वैल्यू है, 3. देखो कोई भी बता देगा. डेसिमल से लेफ्ट हैंड साइड 3-1 कितना होता है, 2. देखो कितना इंटेलिजेंट है, 2 पॉइंट लगा दिया, 2 डेसिमल पॉइंट लगा दिया हमने, 2 पॉइंट लगा दिया. अब बाकी सब भूल जाओ, अब कहीं डेसिमल था ये याद ही नहीं रखना है. क्या करना है, कहीं पे डेसिमल था रखना है, याद ही नहीं रखना है. तो हमारे पास फिर वही वैल्यू हो गई 2439 आ गई ना. यस सर. सारे नंबर तो हमारे पास 2439 है, तो 24 में जाके 3 को देखना है, उसकी वैल्यू आएगी 3856 है ना. और 9 पे जाके हमने देखा था, 9 पे देखा था कितनी वैल्यू आई थी, 60 ना. यस सर. तो जनरली जो हम करते हैं, एक और गलती हो जाती है कि डेसिमल के बाद दो ही वैल्यू को हम कंसीडर करते हैं. डेसिमल के बाद दो वैल्यू को ही कंसीडर करते हैं. तो अगर मैं इस वैल्यू पहले वाले को हैंडल कर रहा हूं, तो मेरे पास दो वैल्यू अगर हैंडल करनी है तो आई विल राइट 3.3. अब बताओ 8 और 7 इसका जो सक्सीडिंग वैल्यू है 8 और 7 है, तो मेरा 8 पे इम्पैक्ट करेगा कि नहीं करेगा. हाँ. 8 हमारा कितना हो जाएगा, 8 हमारा 9 हो जाएगा ना. Yes, sir. आपके पास 2439 वैल्यू कितनी आई, 3872. I will write the 3872. 3872. आगे वैल्यू. यस सर. अब इसके दो वैल्यू तक ले जाओ 2. कई बार तीन वैल्यू भी लिखते हैं, आप तीन वैल्यू भी लिख सकते हो. 2.39. हमारी जो पहली वैल्यू आई वो कितनी आई, 3.39 आई. और नेक्स्ट वैल्यू जो आई 2.39 आई. 2.39. ठीक है, ये आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है. Yes, sir. Yes, sir. अब मैं एक और वैल्यू देने जा रहा हूँ. ठीक है, सो मैं इसको हैंडल करना, बहुत टफ क्वेश्चन है. क्वेश्चन इज 2.439. कहाँ डेसिमल कहाँ है, यहाँ पे है, याद रखिएगा. दिस पॉइंट इज डेसिमल. अब बताइए 2.439 मैं क्या लिखूं, जीरो हो जाएगा सर, जीरो हो जाएगा. क्यों जीरो हो जाएगा, एन माइनस वन कितना होता है, वन. एन कितना है, एन कितना हो जाएगा, कितनी वैल्यू हो जाएगी, वन पॉइंट माइनस वन. अरे वन माइनस वन जीरो होता है, क्यों कंफ्यूज हो गया. हाँ, तो कॉन्फिडेंस तो क्यों नहीं रखते हो, यही तो बोला ना, कॉन्फिडेंस क्यों नहीं रखते हो, कॉन्फिडेंस तो रखोगे. मैंने दो डिजिट शिफ्ट कर दिया था इसलिए कि मैं क्वेश्चन पूछ रहा था. क्या वैल्यू, क्या लिखूंगा यहाँ पे बताइए, जल्दी बोलो कितना लिखूं. 0.. हाँ 0. देखो कितना सही बनाया मैंने, 0. अब कितना लिखूं, जल्दी बताओ वैल्यू बताओ. 0.39 आ गया ना वैल्यू. यस सर. मैं डेसिमल को और शिफ्ट करता हूँ. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं लिख रहा हूँ 0.2439. क्या कर दिया मैंने,
पॉइंट थ्री टू फोर थ्री नाइन, मैं जीरो लगा दू ना आगे, बताइए रितिका बताइए जीरो के वैल्यू कितने, अब कितना लिखूं एन की जगह क्या लिखूं, जीरो जीरो लिखूंगा क्या सर, एन माइनस वन जीरो ही आएगा। सौम्या बताइएगा, यूर ऑन रिकॉर्ड, जीरो ही आएगा ना, अरे एन कितना है मैडम, एन एन इज जीरो, जीरो माइनस वन कितना होता है, क्या बात कर रहे हो आप, ट्वेल्थ में हो, मैं डाउट कर रहा था, ऐसे थोड़े डाउट कर रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ आप हरकत कर रहे हो, आप क्या सोचे, बहुत इजी क्वेश्चन था, कैसे फंसे, जीरो माइनस वन आ गया, नाउ पुट द वैल्यू एंड आंसर विल बी थ्री नाइन, कोई प्रॉब्लम है, ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने दिया है लॉग टेबल देखने का, मैंने 70 वैल्यू मूव करा के दिखा दिया, मैं लास्ट में जीरो रख के दिखा दिया और पहले वैल्यू देख के दिखा दिया, ठीक है। अब आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसा है जो कि आपके पास, क्वेश्चन इज 19.57, फाइंड आउट द लॉग वैल्यू, स्क्रीन पे लिखो जिसको लिखना है, अपने नाम लिख के, सर 3.2915, जल्दी से ना बोलें, 3.2915, ये गलत आंसर है, ये गलत आंसर है, ये गलत आंसर है सर, 1.29 समथिंग, रितिका आप कहां होश में नहीं हो यार, मुझे डेसिमल में बोल रहा हूँ, आपको सुनाई नहीं दे रहा था, सॉरी मैं डेसिमल नहीं देखा मैंने, व्हाई आर नॉट सीइंग, अब मैं 19.57, फाइंड आउट द वैल्यू, 19.57, फाइंड आउट द वैल्यू, बोलो वैल्यू बताओ, समय बताओ, यस सर, 1.29, ठीक है, इसके इसका टर्म कितना निकलेगा हमारा बताओ, 1.29 लिखेंगे, ठीक है, 1.29, अब आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कीजिए, स्क्रीन शेयर करो, स्क्रीन शेयर पे कैलकुलेटर लाओ, मैं करूं, हाँ कीजिए, जी सर करती हूँ, मिनट सर, आपको स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करनी पड़ेगी इससे पहले, मैं स्क्रीन शेयर अपना ऑफ कर रहा हूँ, मेरा ऑफ है स्क्रीन शेयर, चलो फाइंड आउट करो, विजिबल सर, हाँ दिख रहा है, अरे ये वैल्यू सही आ रहा हमारा आंसर, चलिए स्क्रीन शेयर बंद करो, शाबाश, एक क्वेश्चन और कर लूं, यू रिक्वायर मच, और अब ठीक है, आपको लग रहा है आ गया, तो आ गया, समय आ गया, यस सर, बिल्कुल क्लियर कर दिया है मैंने, ठीक है,
अभी मीटिंग एंड कर रहा हूँ, फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एंट्री लॉग में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हम लोग, ठीक है? यस सर, मीटिंग एंड कर रहा हूँ, उसके बाद फिर बात करेंगे।